ये 10 दिन हो गए जी, यहाँ 8 दिन तक तो इतना बुरा हाल है भी पूछा ही कुछ ना। लोग कहते हैं बात जी चंडीगढ़ च रहा, मैं कह रहा नरकों रहा, चंडीगढ़ को छोड़ो परे, नाम ही ना लेव नरक, बिल्कुल नरक से भी ज्यादा बुरा हाल। नाग होटल है, नाग इधर दुकाना है, रहने की पानी सारा बेच, खाने का होटल है, खाने का होटल है, खाने का कई बार कंप्लेंट करी कोई आता है कहते गाड़ी नहीं है, इसी करके फिर हम भी कुछ नहीं बोलते जी, कहते भी आगे से आएंगे तो हम करेंगे वरना हम करेंगे जी। 8 दिन हो गए चिट्टे मुँह पे लगते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, नाक हो के आते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं। हाँ ये आज से काम नहीं हो रहा है यहाँ का, तो मतलब कोई अगर किसी ने लड़की का रिश्ता करने भी आना है ना तो वो भी कैसे हो जाता है जी, दुकानदारी व्यवहार सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है। डेली रहे हैं भाई सारे क्या करेगा, पाँच में द्वार कोई ऐसी बात नहीं, लड़क है यहाँ SDO साहब से भी बात हुई, वो कह रहे आप JE को कंप्लेंट करो, JE से बात करी तो कह रहे नीचे एक्शन से बात करो, कोई कोई सोल्यूशन नहीं है। चंडीगढ़ की समस्याओं की सीरीज नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज हम हल्लो माजरा में फिर से खड़े हैं और हल्लो माजरा में पिछली बार आपने देखा था कि गटर के रिसाव की वजह से किस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आज एक और हल्लो माजरा की एक दूसरी जगह दिखाते हैं आपको, ये गली थोड़ी उससे बड़ी है और आने जाने का रास्ता भी है यहाँ पर, और आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गटर का रिसाव चल रहा है, ओवरफ्लो है, जाम हो जाते गटर, और इसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार जी। ये गटर ओवरफ्लो कब से हो रहा है? ये 10 दिन हो गए जी, यहाँ 8 दिन तक तो इतना बुरा हाल है भी पूछा ही कुछ ना। लोग कहते हैं बात जी चंडीगढ़ च रहा, मैं कह रहा नरकों रहा, चंडीगढ़ को छोड़ो परे, नाम ही ना लेव नरक, बिल्कुल नरक से भी ज्यादा बुरा हाल। भैन दे उपर लैटरिंग जा रही है, इतना भैन दे पुछो ही ना कुछ भी, बहुत दुखी भाई। नाग होटल है, नाग इधर दुकाना है, रहने की पानी सारा बेच, खाने का होटल है, खाने का होटल है, ये आप लोग देख सकते हैं कि खाने का होटल है और सीवरेज किस तरह से यहाँ पे बह रही है, कौन यहाँ पर खाना खाने आएगा, कैसे लोग यहाँ गंदगी में बैठ के खाना खाएंगे, ये थोड़ी सोचने वाली बात है और सोचेंगे हम नहीं, सोचेगा प्रशासन, पर कितना सोचेगा, कब तक ये ठीक होगी वो देखने की बात होगी। और भाई साहब के पास चलते हैं। सर क्या नाम है आपका? ये गटर ओवरफ्लो हो रहा है ये तो बता दिया 10 दिन से ये हो रहा है, गुहार कहीं लगाई है आपने? कई बार कंप्लेंट करी कोई आता है कहते गाड़ी नहीं है, इसी करके फिर हम भी कुछ नहीं बोलते जी, कहते भी आगे से आएंगे तो हम करेंगे वरना हम करेंगे जी। 8 दिन हो गए चिट्टे मुँह पे लगते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, नाक हो के आते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं। आपका घर यहीं आसपास है? हाँ जी। और कई ऐसी दुकानें हैं, कई आप उनकी भी शायद मेरे हिसाब से दुकान है, दुकानें इसकी वजह से व्यापार पे क्या असर पड़ रहा हो? जी कस्टमर आते नहीं कोई जल्दी से, कस्टमर ही बहुत वो कहते हैं गंदी बहुत है, स्मेल ही बहुत आती है, इतना कुछ कहा कस्टमर की। क्या नाम है सर? हर्ष नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? 1990 का मैं निवासी हूँ, यहीं पे डेट ऑफ बर्थ मेरा यहीं का है, आज से नहीं ये तो 25-30 सालों से यही है। हाँ ये आज से काम नहीं हो रहा है यहाँ का, तो मतलब कोई अगर किसी ने लड़की का रिश्ता करने भी आना है ना तो वो भी कैसे हो जाता है जी, दुकानदारी व्यवहार सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है, यहाँ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई हम फंक्शन ही कर सकते, हमारे पास जगह ही नहीं है। आपने वहाँ बालवाड़ी का देखा, वहाँ पे क्या पानी कैसे खड़ा है, लोग भी खड़ी खड़ी है, डिस्पेंसरी का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल है, सब देखो वहाँ पे रोडों को तो छोड़ो, रोडों की तो बात है ही है, ये तो चीज़ें हम देख ही रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ मतलब कि बाई बर्थ ही दे रहे हैं, जब से ये MC के अंडर गया है जब से यही हाल हो रहा है, ये हाल है कि पहले नहीं MC के अंडर नहीं था हाल हो रहा है, जब से MC के अंडर गया जब से ये हाल है, रोड टूटे पड़े हैं, सीवरेज ब्लॉकेज हो रही है, सारा ये हाल है। पंचायत के टाइम में कैसा था यार? पंचायत के टाइम में था, पंचायत जब शिकायत करते थे तो वो हल हो जाता था, अब हल करने के लिए कोई है ही नहीं, कंप्लेट ही करो कंप्लेट करके करके करते कुछ करते ही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बाप सुबह आए हैं निकाल के गए हैं फिर ओवरफ्लो है, कुछ हल नहीं है, हल मतलब निकालना है कुछ उसका पर्पज़ भी होता है हल निकालने का, इन्होंने बैठ के कुछ करा ही नहीं है, जो करेंगे तो हम कुछ देखें। अब क्या है कि MC के अंदर ये है, अब यहाँ सारा देख लो खुद सारा ब्लॉक ही पड़ा है, ग्राउंड का हाल देख लो, कहीं पे कोई प्ले ग्राउंड नहीं है बच्चे के लिए खेलने के लिए, पार्क जाके वो हाल देख लो, ये हाल ऐसे हैं, सारे बुरे हाल हुए पड़े हैं।
बोले हम सोचते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी कोई हल हो, कोई फायदा नहीं है यहाँ आकर रहने का। आप प्रधान जी के साथ चलते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर सिंह है। सर क्या कहना चाहेंगे? ये पावर फ्लो ये ऐसे कोई देख रहे कुछ नहीं है इसके लिए, कंप्लेंट वगैरह की गई अवॉइड करते रहते हैं। किस तरह का व्यवहार रहता है जिनको कंप्लेंट डालते हैं? कंप्लेंट किसी इनको एमसी को बोलते हैं कुछ करते नहीं, वो तो हम 32 में जाते हैं वहां कोई रिस्पांस नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। वोट मांगने के टाइम भी तो वो आते हैं तब जाके कह के भी आ गए जी, कोई रिस्पांस नहीं आता ये। अच्छा तो क्या रहने वाला है आप लोगों की ओर से, कहां तक इस चीज को झेलेंगे? झेल ही रहे हैं भाई सारे, कोई ऐसी बात नहीं, लड़क है यहाँ बस और कुछ नहीं। मेन उनके ना वाई या गड्डी आई है नहीं कौन लेंगे, सिरे से सिरे तक बंद है। एसडीओ साहब से भी बात हुई, वो कह रहे आप जेई को कंप्लेंट करो, जेई से बात करी तो कह रहे नीचे एक्शन से बात करो, कोई कोई सोल्यूशन नहीं है। आगे से आगे बात बढ़ा, आगे से आगे दूसरे के ऊपर बंदूक घेर दे रहे हैं, भैया उधर बोलो इधर बोलो उधर बोलो, फिर ये आते हैं वो भैया पाइप मार के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं जी हमारे बस का नहीं है, गाड़ी आएगी ऊपर से तब जाके ये लाइन खुलेगी, तो खोलनी तो इन्होंने ही है थोड़े बहुत इन्होंने करा दिया नहीं खड़ दें ना, मैं तारी मुथ ले इना बुरा हाल था, वीडियो है सब कुछ है गया बहुत ही बुरा। आगे भी देखो बच्चों को स्कूल लगने वाले यही हाल रहना है, आगे बरसाते हैं बरसातों में तो यहाँ नर्क बन जाना है बिल्कुल ही, तहरने लग जाते हैं लोग यहाँ तो आते आते गोटो तक पानी आ जाता है, बताओ तो ये हल ही नहीं है। हल करना क्या चाहते नहीं कि हल, हरमिंदर सर को भेजी है मैंने, ये देखो ये कम्प्लीट कर कर फोटोज दिखाने चाहेंगे कि एक मिनट ये बरसातों में है ना ना जी, और ये देखो ये देखो ये देखो किस तरह लैटिन देखो हफ्ता दस दिन हो गया इन्होंने कहते हैं पर ना भाई सुनाइए देखो ये सवेरे का सवेरे का हाल है, ये पूरे एक हफ्ते से रेगुलर ऐसे चल रहा है, ये देखो स्कूल एम रेंजर यार दिखाई नहीं, शक्ल ही नहीं दिखाई एम सी ने, शक्ल नहीं दिखाई। ये समस्याएं किसको सुनाए, ये सवाल उठता है कि किस पर जाए, कौन है करता धरता यहाँ का और कौन है जो इस सब की समस्याओं को सॉल्व करेगा। कहने को चंडीगढ़ पहल स्मार्ट सिटी है तो यहाँ पे, और हाँ एंट्रेंस पॉइंट भी यही है, हेलो माजरा, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहीं से निकलती हैं, एयरपोर्ट से होने के बाद यहाँ से होके जाते हैं, लेकिन ये हेलो माजरा नहीं दिखाया जाता। और अगर कोई बड़ा आदमी निकल रहा हो तो शायद कई बार मैंने खुद आते जाते देखा है कि उसको कवर कर दिया जाता है ताकि इस जगह नजर ही ना पड़े। तो अब सवाल फिर से यही उठता है कि आखिर कौन कि कौन पार्षद या कमिश्नर या बीजेपी शासित जो यहाँ पर एमसी है, तो क्या कौन आके यहाँ पे इसको ठीक करने वाला है, और ये लोग भी किसके पास जाए, कोई सुनने को ही राजी नहीं है। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो जाए और सरकार के प्रशासन के कान खुलें। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।